हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइज, मैं इस वीडियोस में आज बात करूंगा कि हम जो पिक्सल लैब से जो है कि थंबनेल बनाते हैं यूट्यूब के लिए, उस थंबनेल को जो है कि हम फुल एचडी में किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो, ताकि अगर वो किसी के भी सामने अगर वो जाए थंबनेल तो इतना अट्रैक्टिव लगे, इतना अच्छा और इतना क्लीन लगे वो थंबनेल, उसको देखते ही लोग तुरंत उस पर क्लिक कर दें। कुछ इस तरह का थंबनेल गाइज मैं बताना चाहूँगा। अगर आप पिक्सल लैब से जो है कि थंबनेल बनाते हो तो शायद आपको अगर नहीं पता है कि किस तरह से जो है कि पिक्सल लैब से ही हम थंबनेल को जो है कि फुल एचडी में भी डाउनलोड कर सकते हैं, फुल एचडी में भी उसको जो है कि अपने गैलरीज में सेव कर सकते हैं, और उसको तब जाके हम यूट्यूब के वीडियोस में उसको थंबनेल को भी सेट कर सकते हैं। तो गाइस, जानने के लिए इस वीडियोस को आपको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। और तो चलिए गाइस, वीडियोस को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो फाइनली गाइस, हम पहले अपने पिक्सल लैब में जाते हैं। पिक्सल लैब में यहाँ पर हम किसी भी थंबनेल को जब क्रिएट कर लेते हैं, जैसे हमने थंबनेल को क्रिएट किया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक थंबनेल को क्रिएट किया है। हम इसको किस तरह से सेव करते हैं, तो हम लोग नॉर्मली अगर जिसको नहीं पता है, मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे क्लिक करके हम सेव एज प्रोजेक्ट पे क्लिक करके जब सेव करते हैं तो वो हमारे पिक्सल लैब के फोल्डर में जाके सेव हो जाता है, वो जिसको हम बाद में यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अगर हम नीचे वाले में सेव एज इमेज करते हैं तो यहाँ पे सेव एज इमेज पे जब हमने क्लिक किया, हमारा थंबनेल क्रिएट होने के बाद जो भी लिखना पढ़ना हो उसको लिखने पढ़ने के बाद जब हम सेव करने पे जाते हैं अपने गैलरीज में, तो यहाँ पे हम सेव टू गैलरी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, दोनों से ही सेव हो जाती है आपके गैलरीज में। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ध्यान नहीं देते कि यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं फॉर्मेट लिखा है जेपीजी। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगर आपको पीएनजी में डाउनलोड करना है, जैसे कि पीएनजी में जो है कि इमेजेस होती हैं उस तरह से डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ पे जो है कि इसको चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम अपने थंबनेल को जो है कि एचडी में हाई क्वालिटी में जो है कि इसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो सिंपल आपको डिमेशन से यहाँ पे दिख रहा होगा कस्टमाइज है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ध्यान नहीं दे पाते और डायरेक्टली हम जो है कि सेव कर लेते हैं नॉर्मली, जो कि रहता तो ठीक है, लेकिन उससे भी अच्छा अगर हमको सेव करना हो फुल एचडी में। अब आपको पता ही है कि फुल एचडी किस तरह से दिखता है, तो अगर उस तरह से हमें सेव करना है तो हमको पहले डायरेक्टली कस्टमाइज पे क्लिक करना है। कस्टम यहाँ पे लिखा है, बस इस पे यहाँ पे देख सकते हो एक एरो का निशान बना है, बस इस पे क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, डिफ़ॉल्ट का, कस्टम का, लो का, मीडियम का, हाई का, वेरी हाई का, अल्ट्रा का। अब वेरी हाई तो एचडी में आ जाता है और अल्ट्रा जो है कि फुल एचडी में आ जाता है, मतलब एकदम हाई एचडी में जो कि आपकी इमेज सेव होगी, जो कि देखने में एकदम प्रोफेशनल लगेगा और एकदम अट्रैक्टिव लगेगा गाइज। तो हम यहाँ पे जो है कि ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए हम जो है कि अपने थंबनेल को नॉर्मली जो है कि सेव कर लेते हैं। अगर वही थंबनेल जो आपने नॉर्मली सेव किया है, अगर आप ट्यूब बड़ी में चेक करेंगे तो वहाँ पे जो है कि लो डिफरेंस आपका थंबनेल बताएगा, मतलब वहाँ पे बताएगा कि आपका थंबनेल सही नहीं है, वो सीधा बता देगा। अगर यहाँ से आप अल्ट्रा से सेव करते हो, अल्ट्रा पे यहाँ पे क्लिक करके अब इसको अगर आप सेव करते हो, सेव टू गैलरी करते हो, तो ये चीज़ आपका जो है कि फुल एचडी में डाउनलोड होने वाला है गाइस। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये चीज़ आपका फुल एचडी में डाउनलोड होगा कन्फर्म। तो बस आपको यहाँ पे अल्ट्रा कर देना है, एकदम हाई डिफरेंस में आपको सेव करना है थंबनेल को, ताकि लोग उसको देखते ही क्लिक कर दें। तो यहाँ पे सेव टू गैलरी अब हमको क्लिक कर देना है, वो जो जाके आपके गैलरीज में सेव हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इमेज जो है कि बिल्कुल सेव हो चुका है हमारे गैलरीज में, वो भी फुल एचडी में। तो इस तरह से गाइज, अगर आप इमेज को सेव करते हो, अपने थंबनेल को सेव करते हो, तो जो है कि आपके व्यूज़ भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो भी किसी के सामने अगर पड़ता है तो वो बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है, तो लोग देखते ही उसको क्लिक करना चाहेंगे, क्योंकि वो चीज़ जो है कि लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो इसलिए उसको जो है कि लोग देखते ही क्लिक करना चाहेंगे। अगर आपका लो डिफरेंस में आप उसको सेव किए रहेंगे तो इतना कोई इग्नोर कर देते हैं लोग, मतलब स्क्रॉल करके उसको जो है कि हटा देते हैं, उसको इतना मतलब ध्यान नहीं देते। लेकिन इस चीज़ पे जो है कि आप फुल एचडी में करेंगे तो लोग ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से जो है कि आपके वीडियोज़ पे व्यूज़ वगैरह आते हैं और आपका जो है कि चैनल भी प्रोफेशनल टाइप में जो है कि हो जाता है। गाइस, यही था इस वीडियोज़ में, इस चीज़ को हम ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए जो है कि हम जो है कि अपने इमेज को जो है कि नॉर्मली ही सेव कर लेते हैं। ऐसे ही हम लोग जो है कि सोचते हैं कि चलो ठीक है, वो अच्छे से ही सेव होगा, लेकिन वो फुल एचडी में नहीं सेव होता जब तक यहाँ से आप कस्टमाइज़ को अल्ट्रा नहीं करेंगे। तो यही था गाइस, वीडियोस अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताया करो यार, क्योंकि कमेंट करने से हम लोगों को पता चलता है कि आखिर में हमारी वीडियोस किस तरह से बनी है। तो आज के इस वीडियोस में बस इतना ही, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, गुड बाय।